सलमान खान के शो बिग बॉस 18 इस वक्त काफी पसंद किया जा रहा है। इस शो को लेकर हर दिन नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। इस बार शो में बॉलीवुड टीवी साउथ इंडस्ट्री से लेकर वकील और राजनेता तक ने एंट्री ली है। ऐसे में अब शो को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आ रही है। शो से दूसरे कंटेस्टेंट के एविक्शन की खबर आ रही है। गदराज के बाद अब शो से एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट आउट हो गया है। आइए जानते हैं कौन है वो। शो को शुरू हुए अभी 9 दिन ही हुए हैं और घर से एक मजबूत खिलाड़ी का सफर खत्म हो गया है। बिग बॉस ताजा खबर की रिपोर्ट के अनुसार बिग बॉस के घर से गुणरत्न सदावर्ते को एलिमिनेट कर दिया गया है। खबर है कि गुणरत्न सदावर्ते को उनके केस के लिए घर से बाहर कर दिया गया है। बाद में वह शो में शामिल हो सकते हैं क्योंकि अब्दू और स्वामी ओम की तरह वह भी स्वैच्छिक रूप से बाहर निकल गए हैं। फिलहाल अभी गुणरत्न के बाहर होने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि गुणरत्न के बाहर होने की खबर सामने आते ही लोग बोल रहे हैं कि अब ये बाकी घर वाले मिलकर बोर करेंगे। बिग बॉस 18 में गुणरत्न सदावर्ते के एलिमिनेशन के बाद घर में विवियन डिसेना, वायरल भाभी हेमा शर्मा, आयशा सिंह, अफरीन खान, सारा खान, अनुपमा एक्ट्रेस मुस्कान बामने, फिटनेस इन्फ्लुएंसर रजत दलाल, खतरों के खिलाड़ी 14 के विनर करणवीर मेहरा, अरुणाचल प्रदेश की चुंग दरंग, अविनाश मिश्रा, शिल्पा शिरोडकर, नायरा बनर्जी, श्रुतिका अर्जुन, बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा, एलिस कौशिक, ईसा सिंह बचे हैं। इस अपडेट पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी एंटरटेनमेंट। We'll be right back.